Hello friends, welcome to my YouTube channel engineer.87. Here I am providing to you practical education. So last video में हमने देखा था 2 या 3 LED को हम कैसे Arduino के यूज से ऑन करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं LED को ब्लिंक कैसे करवाएंगे, यानी कि 1 सेकंड हमारी LED ऑन रहेगी, फिर ऑफ हो जाएगी और फिर से ऑन हो जाएगी, फिर से ऑफ हो जाएगी और बीच में 1 सेकंड या फिर 2 सेकंड के लिए वो ऐसे क्लोज ऑन ऑफ होगी, तो इसको कहते हैं ब्लिंक। तो वो हम कैसे करवा सकते हैं वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रोग्राम से। तो Arduino में मैंने पहले वीडियो में आपको सिखाया था कि वर्ड सेटअप आता है, वर्ड लूप, फिर डिजिटल राइट है, ऐसा सब कुछ आता है। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे, first 2 वीडियो आपने अगर इस चैनल के नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले हमें क्या करना है, पिन को डिफाइन करना है। तो पिन मोड, हम Arduino में 13 नंबर की पिन पे हमारी LED कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे पिन मोड, फिर ब्रैकेट के अंदर 13 आएगा, सो 13। और इस पिन पे हमें क्या चाहिए, आउटपुट, सो आउटपुट कैपिटल में आएगा। सो आज हमें एक ही पिन की यूज होगा, सो इसलिए मैंने एक ही पिन डिफाइन किया है। सो पहले वर्ड सेटअप में हम क्या करते हैं, पिन को डिफाइन करते हैं, तो वो हमने कर डाला। अब वर्ड लूप में हमारा मेन प्रोग्राम आता है। सो हमें क्या करना है कि LED को ब्लिंक करवाना है, यानी कि 1 सेकंड के लिए ऑन रखना है, दूसरी सेकंड के लिए क्लोज करना है, ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ऐसे हमें करना है। तो उसके लिए चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ वर्ड लूप में मेन प्रोग्राम आएगा। तो पहले क्या करेंगे हम कि हमारी जो LED है उसको ऑन करवाएंगे। तो इसके लिए मैंने कहा था क्या आता है, डिजिटल राइट। सो W कैपिटल आएगा, डिजिटल राइट, 13 नंबर की पिन है, फिर कॉमा, हमें ऑन करवाना है। ऑन के लिए मैंने क्या कहा था कि हाई या फिर 1 यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हाई यूज कर रहा हूँ। फिर क्या करना है, पहले हमारी LED इससे क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अब हमें 1 सेकंड के लिए इसको क्लोज करना है। सो उसके लिए Arduino में प्रोग्राम है डिले, डिले। ये डिले प्रोग्राम से क्या होगा कि 1 सेकंड के लिए वो ऑफ हो जाएगी। ओके, सो हमने यहाँ पे डिले लिख लिया। फिर 1000, यहाँ Arduino में क्या होता है कि जो सेकंड है वो माइक्रो सेकंड में यूज होता है। सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 माइक्रो सेकंड। सो 1000 लिख के हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को और सेमी कोलन। फिर क्या होगा, ये 1 सेकंड के लिए ऐसे ही रुक जाएगी। फिर से पहले हमने क्या किया था, LED को ऑन की थी, अब क्या करना पड़ेगा, 1 सेकंड के बाद ऑफ करना पड़ेगा। सो फिर से डिजिटल राइट, थर्टीन नंबर की जो LED है वहाँ पे मैंने कहा था कि हाई आप लिखोगे तो LED ऑन हो जाएगी और लो लिखोगे तो क्या हो जाएगी, हमारी LED क्लोज हो जाएगी, और लो की जगह आप 0 भी यूज कर सकते हैं। सो ये लो हो गए। फिर से क्या करेंगे हम, डिले करेंगे, सो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। क्या होगा, पहले हाई लिखा है तो LED ऑन होगी, फिर 1 सेकंड का गैप के लिए हमने डिले यूज किया, फिर लो हो जाएगी यानी कि बंद, फिर से डिले, फिर ये लूप है, यहाँ पे देखिए वर्ड लूप है। सो क्या होगा, ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। सो LED क्या होगी, ब्लिंक होगी, यानी कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और यहाँ पे आप अगर 1000 की जगह 2000 आप लिखेंगे तो 2 सेकंड के लिए वो ऑन ऑफ होगी, ऐसा होता है। तो चलिए अब ये हमारा प्रोग्राम सही है या गलत और वर्क कर रहा है कि नहीं वो हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं टिंकर कैड में जाता हूँ। सो आपको
टिंकर कैड में जाना है, इसके लिए आपको क्रोम में जाना होगा और फिर www.tinkercad.com लिखना है, और मेरा तो इसमें अकाउंट है, आपको नया क्रिएट करना होगा। सो इसके बाद यहाँ पे सर्किट में जाना है, फिर क्रिएट अ न्यू सर्किट में जाना है। सो नेटवर्क की वजह से लोडिंग हो रहा है थोड़ा। यस, तो यहाँ पे पहले कंपोनेंट में आर्डिनो हमें चाहिए, आर्डिनो यूनो R3 वो यूज करेंगे। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ ताकि यूज करने में आसानी रहे। सो ये हमारा आर्डिनो आ गया, फिर एलईडी ले लेते हैं, ये एलईडी ले ली। सो पहले क्या करना है, 13 नंबर पे हमें कनेक्ट करना है, कैथोड को हम ग्राउंड में कर देंगे, इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। इसको 13 नंबर की पिन पे ज्वाइंट कर देंगे और इसको मैं ग्रीन कलर यूज कर देता हूँ। सो ये सर्किट हो गए। अब यहाँ पे कोड में, पहले यहाँ पे भी आप डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। अब आर्डिनो में से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल बी। कंट्रोल सी सॉरी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। वन सेकंड, सो यहाँ पे कोड हमारा पेस्ट हो गया। अब मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ, मेरी सर्किट कंप्लीट है, देखते हैं अब ऑन ऑफ होती है या फिर नहीं। सो यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 सेकंड हमारी एलईडी ऑन होगी, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ। सो हमारा ये प्रोग्राम सही है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपका प्रैक्टिकल एजुकेशन बढ़ा है तो आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।